पिता नितेश के लिए फूट फूट कर रोया 10 साल का बेटा। मासूम आरव के आंसुओं ने चीर दिया सबका कलेजा। 1.5 साल के बेटे को अकेला छोड़ गए थे टीवी के मलखान। तो बच्चे को छोड़ इन सेलेब्स का भी कम उम्र में ही हो गया था निधन। ये टीवी के उन सितारों के नाम हैं जो हमेशा के लिए अपने हंसते खेलते परिवार को रोता हुआ छोड़कर चले गए। कम उम्र में इन सितारों का निधन हुआ तो हमेशा के लिए इनके बच्चों के सिर से माता पिता के आंचल का साया उठ गया। ठीक कुछ ऐसा ही हाल ही में टीवी के उम्दा और खुशनुमा एक्टर नितेश पांडे के दुनिया से चले जाने से भी हुआ। नितेश पांडे टीवी जगत का एक जाना माना नाम रहे, लेकिन बुधवार को उनके निधन की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। उनके दोस्तों से लेकर फैंस तक की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन जो शख्स नितेश के जाने पर सबसे ज्यादा रोया वो था उनका 10 साल का बेटा आरव। जिस पल आरव ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखा उसी पल वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। जहां पहले वो फूट फूट कर रोए तो फिर वहां मौजूद हर शख्स के पास जाकर बस एक यही सवाल करने लगे कि मेरे पापा को हार्ट अटैक कैसे आया। बार बार वो बस चीर निद्रा में लीन अपने पापा से उठने की गुजारिश कर रहे थे। वहीं अब नितेश के निधन से आरव की दुनिया मानो थम सी गई है, क्योंकि अभी तो वो स्कूल में पढ़ाई ही कर रहे हैं। ऐसे में उनके आगे सारी जिंदगी अभी कोरी ही पड़ी हुई है। ना सिर्फ आरव ने यही गम झेला, बल्कि एक पिता का साया सिर से उठकर कैसा लगता है इस बात को एक्टर सतीश कौशिक की बेटी से बेहतर कौन समझ सकता है। आखिर होली के अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सतीश के जाने से उनकी बीवी और बेटी की जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ गए। सतीश की बेटी वंशिका भी 10 साल की ही है। सतीश के अंतिम संस्कार पर पिता को खोने का दर्द वंशिका की आंखों में साफ नजर आया था। सतीश के जन्मदिन पर भी पापा को याद करते हुए वंशिका भावुक हो गई थी, क्योंकि जिस बेटी के लिए सतीश जीना चाहते थे और उन्हें शादी के बंधन में बंधे देखना चाहते थे, उसे छोड़ वो हमेशा के लिए उनसे दूर चले गए। वंशिका तो फिर भी एक बार को शायद अपने होश संभाल ले, लेकिन ज़रा सोचिए, जिस बच्चे ने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा उसके ऊपर से पिता के साये के उठने का दर्द शायद ही कोई समझ सकता है। कुछ ऐसा ही नासूर दर्द टीवी के मलखान यानी कि एक्टर दीपेश भान के बेटे ने भी झेला। 41 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते हुए आया हार्ट अटैक उनके निधन की वजह बना। दीपेश तो हमेशा के लिए मौन हो गए, लेकिन अपने 1.5 साल के बेटे को रोते हुए छोड़ गए। वो बेटा जिसने ठीक से अभी पिता को पहचाना भी नहीं था, उसे अब सारी जिंदगी उनकी यादों में ही गुजारनी होगी। टीवी जगत के मशहूर एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी भी पिछले साल अपने पीछे 2 बच्चों को अकेला छोड़ गए। 46 की उम्र में सिद्धांत को जिम में हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। सिद्धांत को मुखाग्नि भी उन्हीं की बेटी ने दी थी। अब सारी उम्र सिद्धांत के बच्चों को उनके बिना ही जीनी होगी। आखिर में बात करते हैं एक्ट्रेस और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की। सोनाली भी अपनी 15 साल की बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। पिता के बाद यशोधरा के ऊपर से माँ का साया भी उठ गया था। माँ के निधन से यशोधरा ट्रॉमा में भी चली गई थी। तो सारे बंधनों को तोड़ते हुए यशोधरा माँ के अंतिम संस्कार में ना सिर्फ शामिल हुई बल्कि उन्हें अपना कंधा भी दिया, साथ ही माँ की चिता को मुखाग्नि भी दी। अब यशोधरा हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन माँ के जाने का गम वो कभी भूल नहीं पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।